काफी पहले मुझे किसी ने पूछा था, हम ये मेटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, इसका दोनों को तालमेल कैसे करें? तो उनके दिखाने का ढंग से ये समझ आता है, मेटेरियल लाइफ अपना है एंड स्पिरिचुअल लाइफ बाहर की है। मींस हम मेटेरियल है वो मान्यता है, स्पिरिचुअल हमें होना पड़ेगा। तो तब उनको मैंने कहा था, तुम्हारी कॉन्सेप्ट गलत है, तुम स्पिरिचुअल हो, तुम मेटेरियल बन गए हो। तो ऐसा कहो, स्पिरिचुअल रहते हुए हम मेटेरियल लाइफ में कैसे निभाए? तुम सांस लेते हुए कैसे काम करते हो? वही तुम्हारा स्पिरिचुअलिटी है। तुम्हारी धड़कन चलती है तो तुम जिंदा रहते हो, वो स्पिरिचुअलिटी है, वो ईश्वर है। ईश्वर ढूंढने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। तुम्हारा करना बंद हो जाएगा तो तुम्हारी ईश्वर की अनुभव होने लगती है। सिंपल सी बात, हमें नाक सीधा पकड़ना आता ही नहीं है, उसको हमें घुमा के पकड़ना सिखाया गया है। तो कॉम्प्लिकेटेड ना हो तो हमें समझ नहीं आता। इतनी आसान, कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ तुम्हें प्यार करना पड़ेगा। नहीं नहीं, कुछ करना पड़ेगा ऐसा है? सिंपल से सिंपल बात समझ में ही नहीं आता है। कहती हूँ ना, एक लाइफ बॉडी, एक डेड बॉडी, दोनों ही बॉडी, सब पार्ट्स मौजूद है दोनों में। फिर क्या डिफरेंस है? एक में कॉन्शियसनेस है, एक बॉडी चेतन है, इसलिए वो अलाइव है। एक बॉडी में चेतन्य नहीं है, फिर वो लाइफलेस है। तो जो तुम्हारे मैं होता है जब तुम अलाइव रहते हो, वही चेतना के कारण, वही कॉन्शियसनेस के कारण, वो ईश्वर की धड़कन तुम्हारी ईश्वर है, तुम्हारी श्वास लेना ईश्वर है। उसको तुम अनदेखा करते हो, वो तो मुफ्त में मिल रहा है। जो दिन तुम्हें ब्रिदलेसनेस होता है, वो दिन लगता है मुझे तकलीफ हो रहा है। क्यों? मुफ्त में ले रहे थे तब तो एक बार भी याद नहीं आया उनका। तो तुम जी रहे हो ईश्वर की बलबूते, फ्री फ्लो ऑक्सीजन में तो तुम जी रहे हो। वो फ्री धड़कता है इसलिए तो तुम जीते हो, वो तुम्हारी ईश्वर है। लेकिन तुम हर बातों पे मैं की इशारा समझते हो, मैंने किया, मैंने पाया, मैंने खोया, बस वही। लेकिन जब तुम्हारा वो ईश्वर चला जाता है, धड़कन बंद, ब्रीदिंग बंद, चेतना बंद, यू आर अ डेड वन, यू आर जस्ट नो वन। आज तुम समवन, कल तुम नो वन। ये नो वन की अवस्था जब समवन रहते हुए हो जाता है, जब तुम जीते जी मर जाते हो, यानी तुम जीवंत रहोगे लेकिन अहंकार की पूर्ण मृत्यु हो जाएगा। ऐसी अवस्था में जब आते हैं कोई शरीर, तब सिर्फ ईश्वर की प्रवाह चलती है, तब मैं रहती नहीं है, तब सिर्फ सब आपन, कोई पराया नहीं, कोई अलग से अपना नहीं, सब अपना है। सत्य एक है, वो सुंदर है, वो शिव है। शिव एक ट्रांसेंडेंटल अवस्था की सिंबल है। एक शरीर जब इतनी ध्यान में है, इतनी ईश्वरलीन है, जो उन पे सांप चढ़ते हैं या वाघ आता है, ध्यान नहीं है, उनकी भूख की याद नहीं है, उस अवस्था शिव अवस्था होती है। जब शिव अवस्था की शरीर लोक हित के लिए, जन कल्याण के लिए काम करते हैं, अलग अलग रूप में साधारण के साथ पेश आते हैं, कभी पिता रूप, कभी पति रूप, कभी प्रेमी रूप, कभी संतान रूप, कभी गुरु रूप, कभी ईश्वर रूप, ऐसे जो विभिन्न रूप में सामने आते हैं,
कृष्ण रूप होता है। कृष्ण के रूप सदगुरु के रूप होते हैं। जब वो ध्यानस्थ रहते हैं वो शिव रूप होता है। जो कर्मकांड में बिजी रहते हैं जन कल्याण के लिए अलग अलग रूप लेके काम करते हैं वो कृष्ण रूप होता है। कोई राम, कोई कृष्ण, कोई बुद्ध, जीसस, कोई भी जो आज नहीं रहे लेकिन ईश्वर की प्रवाह चलती रहेगी, आज, आगे, जब जब जरूरत होगा उस हिसाब से कोई ना कोई माध्यम से प्रवाहित होगा।